like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in. Hi friends, मैं चित्रांत सिंह आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 10 मिनट से भी में। तो आज मैं आपके लिए एक और जावा ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। इसमें हम एक जावा प्रैक्टिस प्रोग्राम बनाएंगे, जावा का प्रोग्राम बनाएंगे। सिंपल सा जावा प्रोग्राम रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, यूजर से एक सेंटेंस या वर्ड कुछ भी एंटर कराएंगे, मतलब इनपुट लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि उसमें काउंट करेंगे कि कितने उसमें वॉवल्स हैं, ठीक है। और उसको बताएंगे कि इसमें जो आपने सेंटेंस एंटर किया है, यूजर को बताएंगे आपने सेंटेंस एंटर किया उसमें कितने वॉवल्स हैं। वॉवल्स हम जानते ही हैं क्या होते हैं, दो टाइप के अल्फाबेट्स होते हैं, एक वॉवल्स और एक कॉन्स्टेंट। तो वॉवल्स हमारे होते हैं, फाइव वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो हम वही चेक करेंगे कि हमारे कौन से कितने वॉवल्स हैं हमारे सेंटेंस में या वर्ड में जो यूजर एंटर करेगा। चलिए फिर हम अपना इंटेलिजेंट आइडिया खोल लेते हैं जिसमें हम अपने प्रोग्राम बनाते हैं। ये जावा डेवलपमेंट के लिए आईडी है जो। अब हम एक न्यू फाइल बनाएंगे, न्यू जावा क्लास। तो इसका नाम रख देते हैं हम वॉवल काउंटर। तो वॉवल्स काउंटर, ठीक है। तो अब हमारी ये क्लास बन जाएगी। ये देखिए हमारी क्लास बन चुकी है। हमको अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, जल्दी से एक मेन मेथड बनाते हैं। मेन लिखेंगे, हमको सजेस्ट करेगा, तो हम एंटर मार देंगे। देखिए सजेस्ट किया इसने हमको, एंटर मारेंगे अपने आप मेन मेथड लिख देगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है वहाँ से कैसे यूज़र से कुछ इनपुट लेंगे ना, तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए स्कैनर का हम यूज़ करते हैं। तो स्कैनर मैं आपको यही दिखाता हूँ यूज़ करके हर बार, स्कैनर और इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। ओ इसको ऑल्ट एंटर कर देते हैं तो ये एरर सॉल्व हो जाएगा, ऑल्ट एंटर। तो स्कैनर जावा डॉट यूटिल, देखिए आगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है न्यू स्कैनर, इसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो न्यू स्कैनर और इसके अंदर हमको देना पड़ता है सिस्टम डॉट इन एस वाई एस टी ई एम सिस्टम, सॉरी मैंने यहाँ पे आर लिख दिया, सिस्टम डॉट इन हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक स्ट्रिंग बनानी है जिसमें हम इनपुट लेंगे स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग हम लिख देते हैं एस टी आर डाल देते हैं, काफ़ी है। उसके बाद हमें और क्या करना है, अब हमें और कोई वेरिएबल बनाना हो तो हम बाद में देखते हैं, पहले अब हम अपना आगे का प्रोग्राम लिखते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको साफ साफ दिखे। अब देखिए हमने क्या क्या किया है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन या सिस्टम डॉट आउट प्रिंट डॉट प्रिंट, और हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे हम एंटर अ सेंटेंस, एंटर अ सेंटेंस, ओके हो गया। अब यहाँ पे स्कैनर हम यूज़ करेंगे, एस टी आर लिखते हैं, एस टी आर इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो एस टी आर डॉट, हाँ एस टी आर स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन। तो अब क्या होगा, जो हमको नेक्स्ट लाइन है उसका पूरा दे देगा, एस टी आर में सेव हो जाएगा, स्ट्रिंग देगा हमको। अब हमको क्या करना है, चेक करना है, तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उससे भी पहले कि हमको एक और वैल्यू बनाना होगा, इंट लेंथ, एल ई एन टी एच लेंथ, सॉरी एल ई एन जी टी एच होता है लेंथ, और काउंट, ठीक है। काउंट क्या, बॉबल काउंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम अभी बताते हैं ये लेंथ का कहाँ यूज़ होगा और काउंट का कहाँ होगा। तो लेंथ में तो हम एस टी आर की जो लेंथ है वो ले लेंगे, तो लेंथ एल ई एन जी टी एच लेंथ इक्वल्स टू एस टी आर डॉट लेंथ, ओके हो गया। लेंथ में हमारा एस टी आर की मतलब जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो आ गई, क्योंकि हमको फॉर लूप में जरूरत पड़ेगी, अभी हम दिखाते हैं। अब क्या करना है हमें, फॉर लूप हमको लगाना है एक, फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो आई लेस देन एलियन जी टी एच,
मतलब आई जीरो से स्टार्ट होगा और आई प्लस प्लस, क्या अब हम बताते हैं, आई जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है, आई हमारा जीरो से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद आई की वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए, लेंथ से माइनस, लाइन से एक कम जाएगी, ठीक है, या तो हम यहाँ पे लेंथ माइनस वन कर देते हैं तो वो भी सही हो जाता, तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते थे इक्वल्स टू, पर इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको सिंपल ही रखते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे एरे की जो हमारा एरे होता है उसकी जो वो होती है, मतलब जो हमारी एरे होता है उसका जो स्टार्ट होता है इंडेक्स पॉइंट स्टार्ट होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है जावा में, तो इसलिए जीरो से अगर हम स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए हमारे कैरेक्टर ये फाइव है, जैसे ये लिखा है एंटर, तो एंटर में 1 2 3 4 5, तो इस वर्ड की लेंथ क्या है, फाइव है, तो ये एस टी आर टोटल लेंथ हमें क्या लेंथ कितनी देगी, फाइव देगी, पर हमें तो जीरो से स्टार्ट होती है ना, तो इसको हम गिरेंगे 0 1 2 3 4, ठीक है, तो ये फोर हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे एक लेस रखा है, ठीक है, लेस देन लेंथ, आई की वैल्यू लेंथ से कम रहनी चाहिए, फिर हमारी आई की वैल्यू प्लस होती रहेगी। अब हमको क्या करना है, अब हमको एक एक करके चेक करना है, जो एसटीआर में जितने भी वर्ड्स हैं एक एक करके चेक करेंगे, ये वॉवल है या ये वॉवल है या ये वॉवल है, अगर हाँ है वॉवल तो हम क्या करेंगे, काउंट को, काउंट की वैल्यू बढ़ा देंगे, अभी इसको हम काउंट की डिफॉल्ट वैल्यू जीरो रखते हैं, ठीक है, फिर काउंट की वैल्यू हम बढ़ा देंगे, अगर एक वॉवल मिला एक काउंट की वैल्यू बढ़ गई, ये वॉवल नहीं बढ़ी काउंट की वैल्यू, ये वॉवल नहीं बढ़ी काउंट की वैल्यू, ये वॉवल है दो हो गई काउंट की वैल्यू, ये वॉवल नहीं है नहीं हुई काउंट की वैल्यू, ये वॉवल है तो ये काउंट बढ़ गया तीन हो गए काउंट की वैल्यू, तो ऐसे ये वॉवल नहीं काउंट की वैल्यू नहीं बढ़ी, तो ऐसे हम करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हम एक एक स्टेटमेंट लगाएंगे सिंपल सी और इसमें हमें लिखना पड़ेगा str डॉट कैरेट, कैरेट हमारा होता है जिसमें हम इंडेक्स देके जहाँ पे कैर होता है उसको ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे कैरेट क्या देंगे, आई आई इक्वल्स टू इक्वल्स टू ए, और इसके बाद या तो हो यहाँ पे हम और लगा देंगे, ठीक है, अब इसी को हम कॉपी कर देते हैं और फिर मैं आपको बदल के दिखा देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंटर, कंट्रोल वी कंट्रोल वी एंटर, कंट्रोल वी कंट्रोल वी एंटर, कंट्रोल वी, ठीक है, अब हम यहाँ क्या करना है, ए ई आई ओ यू, अब आप कहेंगे कि ये तो हमारा पांच ही हो गया काम, तो इनकी क्या जरूरत है, तो इनके लिए हम यहाँ पे कैपिटल ए भी तो हमारा वॉवल ही है ना, बस कैपिटल है ना, इसलिए ए कैपिटल ई कैपिटल ए ई आई कैपिटल आई और कैपिटल ओ और कैपिटल यू, और यहाँ से ये और हटा देंगे, हो गया, सॉरी, अब ये क्या किया हमने, अब हम चेक कर रहे हैं जो एस टी आर है, मतलब स्ट्रिंग है जो हमारी जो हमने ली है यूज़र से, उसमें उसके जो इंडेक्स आई है, इंडेक्स की आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी धीरे धीरे करके, तो इंडेक्स जब वैसे अभी जीरो है इंडेक्स की वैल्यू मान लीजिए, तो एस टी आर की वैल्यू अभी यहाँ पे है, ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि एस टी आर में एस टी आर जो ये वाला इंडेक्स पे उसमें कैर कौन सा है, ए है, ए है तो ठीक है, ई है तो ठीक है, आई है, अगर ए है ई है आई है ओ है यू है कैपिटल ए है कैपिटल ई है कैपिटल आई है कैपिटल ओ है कैपिटल यू है, तो हमें क्या करना होगा, तो हम कर देंगे काउंट, काउंट हमारा प्लस प्लस, तो एक इंक्रीमेंट कर देंगे, और नहीं है तो हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, तो काउंट की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, ठीक है, तो ये हमारा निकल आएगा, काउंट हमें बता देगा कि हमारी कितने वॉवल्स हैं, ठीक है, पूरे उसमें, तो ये चलेगी कितनी बार, जो हमारे फॉर लूप है वो तब तक चलेगी जब तक आपकी एस टी आर की लेंथ है, एस टी आर की लेंथ तक, और एस टी आर की लेंथ वो हमें यूज़र जितना एंटर करेगा उस हिसाब से, जैसे यूज़र ने यही एंटर एंटर किया तो क्या होगा, एस टी आर की लेंथ होगी हमारी फाइव, और वो फाइव से लेस देन वन कम चलेगा तो फोर तक चलेगा, फोर बार चलेगा तो जीरो से स्टार्ट होगा, वैसे तो फाइव बार ही चलेगा फॉर लूप, उसके बाद क्या पहले चेक करेगा कि एस टी आर में जो जीरो पे जीरो इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो क्या एक वॉवल है, हाँ यहाँ तो है, इस हिसाब से मतलब काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारी वैल्यू एक वॉवल हमने ढूंढ लिया, फिर सेकेंड बार चलेगा तो देखेंगे एन हमारा वो है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा क्या है एन है, तो मतलब ये वॉबल नहीं है, तो इफ नहीं स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसलिए काउंट प्लस प्लस हमारा नहीं चलेगा, तो अभी भी वन ही वॉबल है, टी वाले में भी ऐसे ही होगा, टू नंबर पे क्या होगा इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, फिर ई पे क्या होगा फिर से हमारी इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, तो हमारे दो वॉबल हो गए, अब क्या होगा
फिर आर को चेक करेंगे, मतलब लास्ट फोर्थ फोर्थ बार चलेगी जब, तो फिर देखेंगे कि काउंट प्लस प्लस नहीं होगा क्योंकि आर हमारा वॉवेल नहीं है, मतलब जो कैर हमारा फोर इंडेक्स पे है वो ए ई आई ओ यू में से नहीं है, आर नहीं है, तो इसलिए इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसलिए क्या होगा हमारी काउंट प्लस प्लस निकल के आ जाएगा 2। तो अब हम इसको प्रिंट करा देंगे, तो प्रिंट कराने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन, और इसके बाद न्यू लाइन हम दे देते हैं यहाँ पे एक, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल टोटल वॉवल्स, टोटल वॉवल्स वॉवल्स आर वॉवल्स आर टोटल वॉवल्स आर इन दिस सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज प्लस क्या काउंट, काउंट की वैल्यू। ओके हो गया, अब इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है, सब सही तो है। चलिए फिर रन कर लेते हैं प्रोग्राम को, सॉरी मैंने दूसरा प्रोग्राम रन कर दिया, कोई बात नहीं, चलिए इसको भी रन कर लेते हैं, रन वॉविल कर काउंटर, तो ये तो दूसरा वाला प्रोग्राम है, हाँ ये वॉवल काउंटर आ गया। एंटर अ सेंटेंस, तो यहाँ पे हम सेंटेंस एंटर करते हैं, जैसे कि अभी सिंपल से एक सेंटेंस एंटर करते हैं, हेलो हेलो, तो इसमें देखिए कितने हमारे पास वॉवल्स हैं, एक तो ई है एक ओ है, तो इसमें 2 आनी चाहिए वैल्यू, तो देखते हैं क्या टोटल वॉवल्स आर इन दिस सेंटेंस इज 2। बिल्कुल सही, टोटल सेंटेंस 2 हैं हमारे पास, ई और एल, ई और ओ, ठीक है। एक और बार चेक करते हैं, इस बार थोड़ा बड़ा सेंटेंस डालते हैं, तो जैसे सब्सक्राइब 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 चैन अवर चैनल, ओ यू आर अवर चैनल चैनल 10 मिनट्स विद मी, ठीक है। तो इसमें हम गिनते हैं कितने हमारे पास वो हैं, यही मैम एंड हाँ ऐसे कितने हमारे पास वो हैं, ठीक है। सब्सक्राइब अवर चैनल, तो एस यू एक हो गया, एस सब्सक्राइब, फिर आई, फिर 2 हो गए, ई 1 2 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, ठीक है, ओ यू, ठीक है 5, और सॉरी 1 2 3 4 5 6 चैनल में ए 6, ई 7, उसके बाद आई 8, और उसके बाद ई हमारा 9, और फिर आई हमारा 10, और ये ई हमारा 11। तो अब इसको एंटर मारते हैं, तो ये 12 बता रहा है, तो हमने कहीं पे एक मिस किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11, तो ये हमको 12 क्यों बता रहा है, हमारे 11 हैं 12 हैं, देखें हम सही से गिन नहीं पा रहे शायद इसलिए। देखिए एक यू यहाँ है, ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पे है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमें 12 बता रहा है, गलत बता रहा है क्या, फिर से एक बार एंटर चला के देखते हैं, हो सकता है कि कोई एरर आ रहा हो, गलत बता रहा हूँ, कहीं एरर है नहीं है, सब सही तो है। एक बार फिर से लिखते हैं, जैसे कि ए ई आई ओ यू ये लिखते हैं, इसमें 5 बताना चाहिए, 5 सही है, हो सकता है मैं गिनती सही से नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम कुछ और लिख के देखते हैं, जैसे कि एंटर ये 2 बता रहा है ई और ई, ठीक है, फिर से करते हैं 10 मिनट्स विद मी, जैसे 10 मिनट्स विद मी, ठीक है, तो हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी सही है, तो ये बिल्कुल वर्क प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है, मैंने तब शायद गिनती करने में थोड़ी गड़बड़ कर दी होगी, पर हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, और आपको शायद दिख रहा हो ऐसे थोड़ा जूम करके, मैंने वैसे पहले नहीं ध्यान दिया,
एक बार फिर से जूम करके मैं रन करता हूँ। देखिए इंटर सेंटेंस कुछ ऐसे करते हैं, सब्सक्राइब सब्सक्राइब, ठीक है। तो इसमें है आई और ई और यू, ठीक है, थ्री है इसमें थ्री, ठीक है। टोटल वॉवल्स आर इन दिस सेंटेंस इज थ्री, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है हमारा प्रोग्राम। तो देखिए बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है, आपको समझ नहीं आई क्या होगा, क्या किया मैंने। तो इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकें। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए कोड का। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है 10 मिनट्स विद मी को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन है जो उसके बगल में उसको प्रेस कर दें, जिससे हमारे जो आएंगे नए नए वीडियोस उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, मतलब ऑल पे कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हमारे चैनल को। और हमारे इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे और भी आपके दोस्त लोग भी देख पाएँ कि कैसे हम जावा में प्रोग्राम बना सकते हैं अलग अलग टाइप के। और ये जो मैं जो जावा के प्रोग्राम्स डाल रहा हूँ प्रैक्टिस प्रोग्राम, उसकी एक प्लेलिस्ट है, आप चाहें तो उसको सेव कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, जिससे आप उसको और अच्छे से एक्सेस कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।